हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में हम सूजन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो करना चाहिए। इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत ही कॉमन है और आज हम उसके बारे में पूरा समझेंगे कि क्या कॉजेज होते हैं और जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन रहती है उससे उनको क्या इश्यूज हो सकते हैं, कौन से फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनसे आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, और अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो क्या टेस्ट करा सकता है जिससे उसको पता चले कि उसकी बॉडी में सूजन रह रही है या इन्फ्लेमेशन रह रही है, और साथ ही साथ उसके क्या ट्रीटमेंट है। तो इन सब सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समझने से कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। देखिए, इन्फ्लेमेशन जो है वो एक बॉडी का रिस्पॉन्स है जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर की हीलिंग के लिए। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि हमें कोई कट लगा या कहीं इन्फेक्शन हुआ, तो वो जो एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, ये वहाँ पहुँच जाते हैं और हीलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब किस एरिया में पहुंचना है, उस एरिया को वहां पे थोड़ी सी सूजन हो जाती है ताकि जो पर्सन है वो भी आइडेंटिफाई कर सके कि उसको कौन सा एरिया अफेक्टेड है, और वो जो एरिया है वो सूज जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन, जो कि बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी में होना चाहिए। पर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जहाँ पे सूडो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन जो मतलब ऐसा ट्रिगर आपकी बॉडी को मिला हुआ है कि उसको इन्फ्लेमेशन करनी है पर एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस वजह से ज़्यादा लंबे टाइम तक ये ट्रिगर मिलने की वजह से आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक रहने वाली। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है जो लंबे समय तक आपके शरीर में रहती है, ये कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। तो कुछ बीमारियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके शरीर में बहुत लंबे टाइम से सूजन है या बहुत लंबे टाइम तक सूजन रहती है, तो ये डायबिटीज़ का कारण बन सकता है, आपको शुगर हो सकती है, ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, ये वेट गेन का ओबेसिटी का कारण बन सकता है, इसकी वजह से आपको रिमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है, एस्थमा का कारण बन सकता है, इवन कैंसर और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हार्ट पे भी इसका बहुत डेरोगेटरी इफेक्ट होता है, हार्ट अटैक भी इसका इसकी वजह से कॉज हो सकता है। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन को जो लोग इग्नोर करते हैं या जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, क्योंकि जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल हैव सम डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, किसी को ज़्यादा है और किसी को कम है, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स इसी इन्फ्लेमेशन से रूट हो रही हैं। तो अब समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। अब पहली बात तो हमने यही करी कि भाई कोई कट लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, पर अगर कोई आपको इंजरी हुई और लंबे समय तक उसका इलाज नहीं होता, या कोई इन्फेक्शन हुआ जो वीक इम्यूनिटी होने की वजह से लंबे समय तक आपके शरीर में है, तब आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पोल्यूशन। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने की वजह से, गंदा पानी का रेगुलर इस्तेमाल करने की वजह से, एडल्टरेटेड फूड खाने की वजह से, ये भी एक कारण बन सकता है इन्फ्लेमेशन का। नेक्स्ट हो सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस। जो लोग हर समय स्ट्रेस में रहते हैं या जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उन लोगों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन पाई गई है। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो वो भी एक कॉज हो सकता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। एक्सेस शुगर इनटेक, एक्सेस सॉल्ट इनटेक, एक्सेस डीप फ्राइड खाने वाले लोगों को भी इन्फ्लेमेशन जो है वो देखी गई है। जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट सोडास कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन देखी गई है। जो किसी किसी की बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, तो उन लोगों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ हो सकती है आपके रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, इनसफिशिएंट स्लीप है, आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्जर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। अब ये हमने कॉजेज डिस्कस कर लिए, इसका इल इफेक्ट डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग किसी तरह के इन्फ्लेमेशन से डील कर रहे हैं कि नहीं।
तो वैसे तो इसका कोई भी ऐसे एज सच टेस्ट नहीं होता, लेकिन ओवर ईयर्स जो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है जिन लोगों में इन्फ्लेमेशन होती है, तो दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उनके शरीर के अंदर किसी तरह की स्वेलिंग है या किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, या आपका जो भी ब्लड प्रोफाइल टेस्ट होता है, जो भी आपका फुल बॉडी चेकअप होता है उसमें अक्सर ये इंक्लूडेड होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP नाम का टेस्ट होता है, स्मॉल सी कैपिटल आर कैपिटल पी। तो मैं इसका जो नाम है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी सो दैट आप देख सके। और ये भी मैंने देखा है कि जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन होती है उनका ESR भी बढ़ जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये दो टेस्ट हैं जिनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में चल रही है। ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन डॉक्टर ही करेगा, लेकिन ये दो टेस्ट ऐसे हैं कि अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप ये टेस्ट करा के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को इन्फ्लेमेशन रह रही है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो क्या उसके सोल्यूशंस हैं। सबसे पहला सोल्यूशन तो देखिए लाइफस्टाइल चेंज है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग रॉन्ग ईटिंग कर रहे हैं, एक्सेस ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्लीप नहीं ले रहे हैं, उन लोगों में अक्सर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को रिड्यूस करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जो होते हैं, इसके बारे में अभी मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में और इलेबोरेट करूंगी। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। तो ये जो फूड्स होते हैं जब आप इनको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है और काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में और उनको मैनेज करने में आपकी मदद करता है। अगला सोल्यूशन हो सकता है कि अगर बहुत एक्सेस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो मे बी आपको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़े, या अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस केस में आपको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी आते हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके सोल्यूशन में आपको मेडिकेशन की ही रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये चार तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर। मैंने जैसे कि बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करने से आप एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट अपनी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। तो पांच चीज़ें ऐसी हैं, पांच ऐसे मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी डाइट में होने चाहिए। सबसे पहला है विटामिन सी। विटामिन सी के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो करा है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। विटामिन सी का कोई ना कोई सोर्स रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी की बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से बचा सकती है। सेकेंड है विटामिन ए, उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है विटामिन ई, उसके बाद है ओमेगा 3 और फाइनली है करक्यूमिन जो कि हल्दी में पाया जाता है। तो अब मैं आपको पांच ऐसे फूड्स बता देती हूँ कि अगर ये पांच चीज़ें भी आप डेली खा लेंगे तो ये सारे के सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप फ्रूट्स में ले सकते हैं पपीता या मैंगो। पपीता और मैंगो के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है, तो अगर आप एक भी इन दोनों में से फ्रूट डेली खा लेंगे तो विटामिन सी और विटामिन ए कंटेंट आपकी बॉडी में चला जाएगा। देन है सीड्स एंड नट्स। अगर आप सीड्स कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, या नट्स कंज्यूम कर लेते हैं जैसे कि एलमंड्स है या वॉलनट्स है, तो इससे आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा और ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। ये भी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आप ले सकते हैं हल्दी। हल्दी हर घर में इजीली मिल जाती है। टर्मरिक जो है, अगर एक पिंच टर्मरिक, एक से दो पिंच टर्मरिक आप हर रोज़ कंज्यूम करते हैं, तो करक्यूमिन नाम का बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और फाइनली है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी जो होती है उसकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो अगर 2 से 3 क्यूब डार्क चॉकलेट आप हर रोज़ कंज्यूम करते हैं, अगर आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं या आप डायबिटिक हैं, तो आप उसे 2 क्यूब्स तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो कोको परसेंटेज है इट शुड बी अबव 60%। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो इससे भी आपकी जो बॉडी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड होंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने पूरी तरह से एंटी इन्फ्लेमेशन को कवर करने की कोशिश करी है, पर डिस्पाइट दिस अगर कोई और भी क्वेश्चंस हो आपके इन्फ्लेमेशन को लेके, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और ऐसे और भी कोई टॉपिक्स अगर हैं जिनको जो आपको बॉदर करते हैं, जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीक्स में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कॉन्टेंट में
पोस्ट करती रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। मेरे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं उनसे मैं डिस्कस करती हूँ तो उनको मैं बताती हूँ इन्फ्लेमेशन के बारे में, तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। तो क्या पता आपके वीडियो शेयर करने से आप किसी की हेल्थ इशू को अवॉइड करवा सके। तो मैं अभी तक के लिए थैंक यू, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।